दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक पीवीसी पाइप की सीट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैंने पीवीसी पाइप को कट करके और हीट करके सीट बनाई है। आप भी ऐसे हीट करके सीट को बना सकते हैं। इसके बाद मैंने पीवीसी पाइप की बॉडी बनाने के लिए, यानी कि इमरजेंसी लाइट की बॉडी बनाने के लिए कुछ मार्किंग करी है। आप भी इस मार्किंग के हिसाब से इस पीवीसी पाइप को कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सीओबी लगाने के लिए इसके बीच में कट करा है, जैसे कि आपको वीडियो पर दिख रहा है। आपको भी बिल्कुल वैसे ही कट करना है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं करना है, उससे थोड़ा सा छोटा करना है, ताकि ये जो सीओबी लाइट है वो थोड़ी पीछे की तरफ जो है अटकी रहे, यानी कि मतलब बाहर ना निकल जाए, इसलिए आपको थोड़ा सा छोटा साइज कट करना है। के बाद दोस्तों, हमें दोनों साइड को पीछे की तरफ मोड़ देना है 90 डिग्री तक, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि मैंने बिल्कुल दोनों तरफ से पीछे से मोड़ दिया है। इसके बाद हम दोस्तों सीओबी लाइट को इसके पीछे चिपकाएंगे फेविक्विक की सहायता से। दोस्तों, इसमें आपको एक नेगेटिव और पॉजिटिव दो पॉइंट दिखाई देंगे, आपको उन दोनों के बगल पे एक एक होल कर देना है। आप चाहें ड्रिल मशीन से भी कर सकते हैं या वैसे भी कर सकते हैं। आप चाहें तो वैसे भी पतली वायर को कनेक्ट करके इसको ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे इस पर होल कर दिया है, जिससे मैंने दोनों वायर निकाल के नेगेटिव और पॉजिटिव पर सोल्डिंग कर दी है। इससे क्या होगा, ये वायर जो है बाहर की तरफ हो जाएगी और ये परफेक्ट लगेगी, मतलब उसमें वायर के कनेक्शन आपको दिखेंगे नहीं। दोस्तों, इसलिए मैंने ऐसा करा क्योंकि आगे अगर हम वैसे वायर लगाते तो वो वायर दिखती, इसलिए हमने इसको होल करके इसको पीछे की साइड कर दिया है, ताकि वो पीछे की साइड से वायर जैसे ये निकल रही है तो इससे आगे फ्रंट में हमें वायर दिखाई देने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हमें जो इसका जो नेगेटिव पॉइंट है उस पर ब्लैक रंग की वायर और जो पॉजिटिव पॉइंट है उस पर रेड रंग की वायर को सोल्डरिंग कर देना है। इसके बाद हम फेविक्विक की सहायता से इसको चिपका लेंगे। अब यहाँ पे इसको कवर करने के लिए मैंने अंदर एक सीट यूज़ करी है, जिसका जो मेज़रमेंट है वो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। हमें उसके बाद इसको हल्की सी मतलब थोड़ी सी गैप पे उसको फेविक्विक की सहायता से इसको लगा देना है। दोस्तों, इसको चिपकाने के बाद हम जो हमारे जो सीट हमने जो चिपकाई है उसके बीच में हम होल कर देंगे नीचे वाली साइड पर, जिससे जो सीओबी की वायर है वो हम उससे निकाल सकें। दोस्तों, यहाँ पे इसको बैकअप देने के लिए मैं यहाँ पे लिथियम आयन सेल का इस्तेमाल पे लूँगा। दोस्तों, ये आपको पुरानी लैपटॉप की बैटरी अगर कहीं से मिल जाती है तो उसके अंदर भी आपको ये मिल जाएंगे और आपको सस्ते पड़ेंगे। चाहे तो आप इसको मार्केट से नया भी परचेज कर सकते हैं, मार्केट में भी ईजिली अवेलेबल है। तो इसको इसकी बॉडी के अंदर फिक्स तरीके से लगाने के लिए यहाँ पर मैं एक केस टाइप का बनाऊँगा। मैंने यहाँ पर एक ऊपर की साइड एक स्ट्रिप कट करी है, जिसकी मेज़रमेंट आपको स्क्रीन पर दिख रही है, और सेम स्ट्रिप में यहाँ पे एक सेम साइज़ की मैं नीचे की तरफ लगाऊंगा, जिससे ये जो सेल हैं परफेक्ट तरीके से इसके अंदर फिक्स हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल जो सेल हैं वो 1200 mAh के हैं। अगर आपके पास 1500 या 2000 mAh का सेल है तो आप दो भी यूज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी है इसको बैकअप देने के लिए। दोस्तों, ये जो आपने दोनों स्ट्रिप लगाई है इसको आपको अच्छी तरीके से फेविक्विक से चिपका देना है। दोस्तों, इससे हमें एक फ़ायदा और ये भी होगा कि जो हमने ये जो बॉडी बनाई है एमरजेंसी लाइट की, ये और मजबूत भी हो जाएगी, जिससे ये जल्दी से अगर गिरने पे ये जल्दी से ख़राब नहीं होगी और टूटेगी नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको इस बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव बता देता हूँ। जो बिल्कुल प्लेन साइड होगी वो इसकी नेगेटिव साइड होगी, और ये जो ऊपर जहाँ पर ये वाइट रंग की रिंग टाइप की होती है ये आपका पॉजिटिव साइड है, ये उभरी उभरी होगी थोड़ी, तो ये पॉजिटिव साइड है, और जो नीचे वाली जो बिल्कुल प्लेन साइड होगी वो नेगेटिव होगी। तो आपको नेगेटिव 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 मतलब एक साथ कनेक्ट करनी है, और पॉजिटिव 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 एक साथ कनेक्ट करनी है। आपको ये तीनों सेल जो हैं पैरेलल में लगाने हैं। अगर आप दो यूज़ करेंगे तो दोनों को पैरेलल में लगाना है, और उसको टेप से चिपका के अच्छी तरीके से वायर निकाल दीजिएगा। दो पॉजिटिव साइड से मतलब रेड कलर की वायर कनेक्ट करके और नेगेटिव पे ब्लैक, तो ये आपकी एक बैटरी टाइप की बन जाएगी। और फिर ये जो हमने बॉडी में केस टाइप का बनाया है वहाँ पे हम इसको फिक्स कर देंगे, और इसके ऊपर हमने एक पीवीसी पाइप की सीट लगा दी है और इसको अच्छी तरीके से कवर कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, हमने एक स्ट्रिप और कट करी है, जिसकी मेज़रमेंट आपको स्क्रीन पर दिख रही है। अब इस स्ट्रिप पर हम जो है इसको स्विच लगाएंगे और इंडिकेटर बनाएंगे, और हम इस पर जो फीमेल कनेक्टर होता है यूएसबी माइक्रो यूएसबी चार्जिंग के लिए वो इस पर फिक्स करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो स्ट्रिप है उस पर मैंने स्विच और चार्जिंग कनेक्टर और इंडिकेशन के लिए मैंने होल कर लिए हैं।
जो बीच में जो दो होली दिख रहे हैं आपको, वो इंडिकेशन के लिए, उसके अंदर वाली साइड पे मैंने जो मोटर वाइंडिंग पेपर होता है उसकी एक स्ट्रिप कट करी है। आप चाहें तो कोई प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट जो स्ट्रिप है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये खाली हमारे को इंडिकेशन के लिए यूज़ करनी है कि हमें चार्जिंग के वक्त हमें ये पता चलता रहे कि जो हमारी जो बैटरी है वो फुल चार्ज हो गई है या लो है अभी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें एक SPST स्विच को इसमें लगा देंगे और ये एक 5 वोल्ट का ये कनेक्टर आता है, फीमेल कनेक्टर बोलते हैं इसको, माइक्रो USB फीमेल कनेक्टर, और इसको यहाँ पे इसमें लगा देंगे। दोस्तों यहाँ पे हम लिथियम आयन सेल को चार्ज करने के लिए एक 5 वोल्ट का चार्जिंग मॉड्यूल यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों अभी हम इसके कनेक्शन देख लेते हैं कि कहाँ पे हमें कौन सी वायर को अटैच करना है। दोस्तों अब जो सारे कनेक्शन हैं वो आपको अच्छी तरीके से देखने हैं, तभी आपके जो आप कनेक्शन करेंगे वो अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो दोस्तों जो हमने ये चार्जिंग कनेक्टर यूज़ करा है, सबसे पहले हम इसकी जो रेड वाली वायर है वो चार्जिंग मॉड्यूल आपको जो दिख रहा है उसके जो जैक वाला साइड है उसके ऊपर पॉजिटिव पॉइंट है, वहाँ पे हमें रेड कलर की वायर यूज़ करनी है उसकी, और नीचे वाली साइड पे वाइट कलर की वायर। इसके बाद जो चार्जिंग मॉड्यूल के जो नीचे की साइड 4 होल हैं उसमें जो सबसे टॉप वाला पॉजिटिव वाला होल है उस पर हम एक डायोड को कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों डायोड को जो सिल्वर वाली पट्टी वाला साइड है वो ऊपर की तरफ रखना है और ब्लैक वाला साइड नीचे की तरफ रखना है, तो वहाँ पे हम उसको सोल्डरिंग कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको 5408 नंबर का जो डायोड ले लेना है, ये 3 एम्पियर का डायोड होता है, ये अच्छा तरीके से काम करेगा इसमें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ब्लैक वायर यूज़ करनी है और उसका एक एंड हमें यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है आपको चौथा वाला होल उस पर कनेक्ट कर देना है और उसका दूसरा एंड हमें स्विच पर कनेक्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको दो वायर और यूज़ करनी है, एक रेड कलर की और एक ब्लैक कलर की। तो जो रेड कलर की वायर है उसको आपको मॉड्यूल में जो बी पॉजिटिव दिख रहा है उस पर अटैच कर देना है, और ब्लैक कलर की वायर को हमें बी नेगेटिव लिखा हुआ होगा पॉइंट में, जो दो पॉइंट बीच में बच गए उस पर अटैच कर देना है। अब ये दोनों वायर को हमें बैटरी से अटैच कर देना है, पॉजिटिव को वो पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से। तो इसके कनेक्शन को कवर करने के लिए यहाँ पर मैं फाइबर स्लीव का इस्तेमाल भी ले रहा हूँ, ये हीट करके श्रिंक हो जाती है और अच्छी तरीके से हमारे कनेक्शन जो है सिक्योर रहते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक जो टेप आते हैं मार्केट में उसको भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो दोस्तों जो हमने ये जो कनेक्शन करे हैं वायर के ये लूज़ ना रह जाएं, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको सोल्डरिंग भी कर देंगे थोड़ा थोड़ा, जिससे ये जो कनेक्शन है ये लूज़ नहीं पड़ेंगे और सिक्योर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम COB लाइट के भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो 2 COB लाइट यूज़ करी है उसके हमें पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि रेड वायर को लाल लाल वायर को एक साथ कनेक्ट कर देना है, और उसको हमें जो हमने मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं उसमें जो डायोड लगाया है उसके एक एंड पे हमने इसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो हमने जो COB की जो ब्लैक वायर है यानी कि नेगेटिव वायर उसको एक साथ कनेक्ट करके हमें स्विच जो हमने यूज़ करा है उसके एक एंड पे कनेक्ट कर देनी है। ये सारे कनेक्शन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों फिर भी अगर आपको इसके कनेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मैं आपको इस लिए एक सर्किट डायग्राम बना के इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दूंगा। आप पुलकित इनोवेटिव आइडियाज़ इंस्टाग्राम में पेज है, उस पे जाके भी इसको देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। दोस्तों फिर सारे कनेक्शन हमें अच्छी तरीके से कनेक्ट करने के बाद, मतलब कोई भी कनेक्शन यहाँ पे लूज़ नहीं छोड़ना है, और अच्छी तरीके से फाइबर स्लीव या इलेक्ट्रिक टेप की सहायता से आपको कवर कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हम इस स्ट्रिप को भी फेविक्विक की सहायता से इसमें चिपका लेंगे, और सबसे पहले आपको सारे कनेक्शन एक बार देख लेना है, स्विच वगैरह ऑन करके देख लेना है कि अच्छी तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको खोल नहीं पाएंगे इसको। तो इसलिए आप पहले सारे कनेक्शन चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको फेविक्विक की सहायता से इसको कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे मैंने 2 स्ट्रिप भी अंदर की तरफ लगाई है, जिससे जो ये जो हमने ऊपर जो स्ट्रिप लगाई है वो अच्छी तरीके से इस पर फिक्स रहेगी और खुलेगी नहीं जल्दी से। दोस्तों इसके बाद जो ये 3 पोर्शन खाली बच गए हैं वहाँ पे भी हम PVC पाइप की स्ट्रिप को कट करके चिपका देंगे जो उसके कैविटी के साइज का, और इसको पूरी अच्छी तरीके से क्लोज कर देंगे। दोस्तों ये इमरजेंसी लाइट आपकी ना बहुत ही मजबूत रहने वाली है, टिकाऊ एकदम, अच्छा बैकअप और अच्छी लाइट वाली, तो दोस्तों इसको ज़रूर बनाइएगा। मैं कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं बताता हूँ, पहले पर्सनली बना के उसको काफ़ी लॉन्ग टर्म तक यूज़ करता हूँ, तब जाके मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। जब तक मेरा ट्रस्ट नहीं बनता उस पर मैं कोई चीज़ आपको ऐसे नहीं सिखाता हूँ, क्योंकि आपके ट्रस्ट है मेरे पे तो वो मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल है, तो मैं आपको कोई भी चीज़ ऐसे नहीं सिखाता।
तो इसलिए आप इसको बनाइएगा, आपको दोबारा कभी इमरजेंसी लाइट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी काफ़ी लॉन्ग टर्म तक के लिए, और आपको बस मज़ा ही आ जाएगा, तो इसको ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको और अच्छा लुक देने के लिए हम यहाँ पे एक हैंडल भी बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिप का दोनों तरफ से मोड़ के एक हैंडल टाइप का बना लिया है। आप चाहे तो बिल्कुल वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा शो इसकी और अच्छी तरीके से बढ़ानी है तो आप हैंडल लगा के बीच में होल कर दीजिए। यहाँ पे मैंने इस पर ऊपर बीच में होल करा है ताकि हम कील वगैरह में इसको टांग सकें, तो इसलिए मैंने होल कर लिया। आप चाहे कर भी सकते हैं और चाहे नहीं भी। अब ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चार्जिंग की वायर लगाई है, ये इंडिकेटर आपको दिखाई दे रहे हैं, आप समझ सकते हैं। इसलिए मैंने दो होल करे थे और अंदर एक स्ट्रिप लगा दी थी। अब ये जब भी आप इसको चार्ज करेंगे ये इंडिकेटर आपको दिखाई दे देंगे, जब ये फुल हो जाएगी तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों जो हमारी इमरजेंसी लाइट है वो बनकर तैयार हो गई है। आप ओवरऑल इसका लुक देख सकते हैं, ये कितनी शानदार लग रही है। यहाँ पे मैंने स्प्रे पेंट नहीं किया है, अगर आपके पास स्प्रे पेंट है तो आप स्प्रे पेंट भी कर सकते हैं, इससे उसका लुक जो है और इन्हेंस हो जाएगा। वैसे तो ये आपको एमरजेंसी लाइट जो है ये मार्केट में मिलने वाली लाइट से ज़्यादा ही अच्छी लगेगी, दोनों में, लुक में भी और परफॉर्मेंस में भी। तो चलिए दोस्तों अब हम इसके कुछ टेस्ट देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसकी रोशनी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रोशनी है इसकी। दोस्तों आपको पता ही होगा कि रात के टाइम पे कैमरे में थोड़ी रोशनी कम लगती है, मैं मोबाइल से शूट करता हूँ ये वीडियो तो आप समझ सकते हैं। तो वैसे इसकी रोशनी इतनी लाजवाब है दोस्तों, COB जो हमारी जो हमने इसमें लाइट यूज़ करी है उसकी रोशनी बहुत अच्छी होती है। आप एक बार बना के देखिएगा, आपको पता चलेगा दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है तो प्लीज़ उसको भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया। आप किसी अन्य प्रोजेक्ट पे भी वीडियो चाहते हैं या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। तो तब तक मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।